खड़ी चढ़ाई, सीढ़ीदार रास्ता और चढ़ता ट्रैक्टर। बिना सड़क के ही ये ट्रैक्टर केदारनाथ की ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा है। सीढ़ियों पर बढ़ते हुए ट्रैक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि बिना सड़क और बिना सपाट रास्ते के ये ट्रैक्टर केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई कैसे चढ़ रहा है। वहीं इस अनोखे करतब को करने के लिए ये ट्रैक्टर का ड्राइवर भी मजबूर है। आपको बता दें कि चंद दिनों में केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में अभी तक केदारनाथ के रास्ते की बर्फ हटी नहीं है। बर्फ के ग्लेशियरों को काट काट कर रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन अब यात्रा के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसे में पैदल मार्ग से आवश्यक सामान पहुंचाने में कई दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह पर बने बर्फ के ग्लेशियरों से मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरन इस ट्रैक्टर की मदद से सामान को धाम तक ढोया जा रहा है। और बिना सड़क और बिना सपाट रास्ते के भी ये ट्रैक्टर सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहा है, जो कि काफी रिस्की भी साबित हो सकता है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। ट्रैक्टर सवार ने जैसे ही ट्रैक्टर में सामान भरा तो फिर आव देखा न ताव और चढ़ाई शुरू कर दी। भारी भारी सामान को ट्रैक्टर की मदद से केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम के कपाट भी आम भक्तों के लिए खोले जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मंदिर समिति और प्रशासन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी केदारनाथ धाम के पैदल रास्तों पर बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं और लगातार बर्फबारी भी जारी है, जिस वजह से रास्तों को साफ करने में मजदूरों के भी पसीने छूट रहे हैं। ट्रैक्टर भी धाम में सामान लेकर पहुंच चुका है, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर चालक को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केदारनाथ के पैदल रास्तों की सीढ़ियों पर ट्रैक्टर चलाने में कई खतरे थे और बर्फीले रास्तों में जब ये ट्रैक्टर दौड़ रहा था तो भी दिक्कतें कम नहीं थी, लेकिन लगातार गिर रही बर्फ से यही लगता है कि इस बार केदारनाथ यात्रा में भक्त बर्फीले रास्तों से होकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। केदारनाथ से प्रवीण सिंहवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।